Hello students. Well, in this chapter, Smiley is going to take us to Rahul's house. And in this chapter, we are going to learn about food. Okay? Smiley जो है वो हमें इस बार राहुल के घर पे लंच के लिए लेके जा रही है और इस चैप्टर में हम लोग जो है फूड के बारे में जानेंगे. फूड वी ईट, राइट? खाना जो हम खाते हैं. Rahul has invited me for lunch today. फिर से पढ़िए तो Rahul has invited me for lunch today. Rahul ने आज मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है. लंच जानते हैं ना, जो दोपहर में हम खाते हैं. Yes. Can you tell me at what time people on earth eat lunch? क्या आप बता सकते हैं कि धरती पर लोग किस टाइम में लंच खाते हैं? बताइए तो. यस, ड्यूरिंग डे टाइम, राइट? आफ्टरनून. अब स्माइली जो है अपने फेरी लैंड के बारे में बताती है. इन फेरी लैंड वी ईट थ्री मील्स. फेरी लैंड में हम लोग तीन बार खाना खाते हैं. मील्स का मतलब हो गया जो फूड हम खाते हैं, तो जितनी बार आप खाएंगे उतना मील्स आपका ऐड होता गया ना. तो फेरी लैंड पर स्माइली जो है वो थ्री मील्स खाती थी. रिप्टा इन द मॉर्निंग, वहां पर सुबह के खाने को क्या कहते थे? रिप्टा. ब्लूम इन द आफ्टरनून एंड डिंका एट नाइट. ओके, तो फेरी लैंड के थ्री मील्स का नाम क्या है? सुबह के खाने को कहते हैं रिप्टा, आफ्टरनून के खाने को कहते हैं ब्लूम और नाइट के खाने को कहते हैं डिंका. वेल, अर्थ पे क्या पता है आपको? इन अर्थ के में अर्थ पर जो है इन मील्स का क्या नाम है पता है? मॉर्निंग के मील का नाम है ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून के मील का नाम है लंच और नाइट के मील का नाम है डिनर, राइट? चलिए आगे पढ़े. अब We need food to live. हमें जिंदा रहने के लिए food की जरूरत है. Food gives us energy to do work. Food जो है वो हमें काम करने के लिए energy देता है. Eating good food keeps us healthy. अच्छा खाना खाना जो है वो हमें स्वस्थ रखता है, healthy रखता है. In a day, we eat three main meals. एक दिन में हम जो है तीन main meals खाते हैं. कौन है ये three main meals? Well, the first meal of the day is called breakfast. दिन का पहला खाना जो है उसे हम क्या कहते हैं? Breakfast. The meal we eat in the afternoon is called lunch. खाना जो हम afternoon में खाते हैं, दोपहर के बाद होता है ना afternoon, तो afternoon में जो हम खाना खाते हैं स्कूल की छुट्टी के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? Lunch. The meal we eat at night is called dinner. रात में जो हम खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? Dinner कहते हैं. तब आप बता सकते हैं At what time do you take these meals? आप लोग कब ये खाना खाते हैं? ब्रेकफास्ट कब खाते हैं आप? लंच कब खाते हैं आप? और डिनर कब खाते हैं? तो आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप कब कब अपने मील्स खाते हैं, है ना? Now, you know, like there are different types of foods. हम लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं ना? तो let's learn about different foods. Right? We get food from plants and animals. हम जो food खाते हैं तो वो food हमें कहां से मिलता है? तो well, we get food from plants and animals. हमें जानवरों, पौधों और जानवरों से वो food मिलता है. Different kinds of food help us in different ways. अलग अलग तरह के food जो है वो अलग अलग तरीकों से हमारी मदद करते हैं. फूड लाइक राइस, ब्रेड, सुगर, चपाती
and nuts give us energy to work. Chawal, bread, chini, chapati, roti jo khate hain ghar mein, aur nuts vagaira jo hote hain na, kya kehte hain isko, badam vagaira sab, to ye jo hai hame kaam karne ki energy dete hain, urja dete hain. Food like milk, dal, eggs and fish help us to grow. तो मिल्क, दाल, अंडे, मछलियां, ये सब जो है हमें बड़े होने में हेल्प करते हैं. ओके, फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी. तो फल और सब्जियां जो है, तो ये फूड जो है हमें हेल्दी रखते हैं. ओके, तो आपको यहां पर दो फूड आइटम का नाम लिखना है जो कि आप सबसे ज्यादा खाते हैं. ओके, तो दोनों का नाम यहां पर लिख दीजिएगा. नाउ सम पीपल ईट मीट, चिकन, फिश एंड एग्स. कुछ लोग जो हैं वो मांस, चिकन, मछली और अंडे खाते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन वेजिटेरियंस. People who do not eat meat, chicken and fish are called vegetarians. लोग जो कि मांस, चिकन और मछली वगैरह नहीं खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Vegetarians. यानी कि जो मांस, मुर्गा, मछली सब खाएंगे, they will be non-vegetarians. और जो वो सब चीज नहीं खाएंगे, they will be called or they are called वेजिटेरियंस. ओके, हिंदी में कहते हैं इन्हें मांसाहारी और शाकाहारी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स. हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमारे खाने की कुछ हैबिट्स होती है ना, उसके बारे में जानते हैं हम, अच्छी हैबिट्स के बारे में. फ्रेश हेल्दी फूड इज गुड फॉर अस. ताजा और जो हेल्दी फूड होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है. Let's eat it and not make a fuss. इसीलिए इसे खाते हैं और ज्यादा नखरे नहीं करते हैं. अच्छा टाइम है ना, चलिए गा के देखें एक बार इसको. Fresh healthy food is good for us. Let's eat it and not make a fuss. खड़े हो जाइए और डांस करते हुए गाइए तो इसे. Fresh healthy food is good for us. Let's eat it and not make a fuss. Bravo. Okay, अब हम लोग कुछ good eating habits के बारे में बात कर लें. We should drink a lot of water. हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए. We should wash our hands, face and mouth before and after each meal. हमें जो है अपना हाथ, चेहरा और मुंह हर एक खाने से पहले और खाने के बाद धोना चाहिए. We should eat slowly and chew our food well. हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और अपने खाने को बढ़िया से चबाना चाहिए. We should take our meals at proper intervals. हमें जो है नियमित अंतराल पर अपना खाना जो है वो खाना चाहिए. यानी अब एक ये नहीं कि अब एक बार सीधा जो है ब्रेकफास्ट खाए तो सीधा रात में खा रहे हैं, नहीं, फिक्स टाइम पर जो है हमें खाना खाना चाहिए. We must eat fresh and clean food. हमें जो है ताजी और साफ खाना खाना चाहिए. गंदा गंदा बंदा अगर पड़ा रहे फूड में तो वो नहीं खाना चाहिए. बासी खाना वगैरह हो तो वो नहीं खाना चाहिए, है ना. वी शुड नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स. सड़क के किनारे जो ठेला लगा के बेचते रहते हैं ना खाना, तो हमें उनसे फूड नहीं खरीदना चाहिए. क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि उनके फूड पर जो है देख रहे हैं ना, मक्खियां, डस्ट, ये सब जमा हो जाते हैं ना, तो फिर वो क्या फ्रेश और क्लीन फूड रहा? नहीं रहा ना. तो इसलिए जो है हमें रोड साइड हॉकर से जल्दी फूड
नहीं खरीदना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें अपना दांत जो है वो दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। फर्स्ट इन द मॉर्निंग, पहली बार कब ब्रश करना चाहिए? सुबह में। एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और तब जो है सोने के लिए जाते हैं ना रात में, उससे पहले दो टाइम ब्रश करना याद रखेंगे, एक बार सुबह सुबह और एक रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए हमें। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट टू ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें जो है कम से कम दो गिलास दूध जो है वो हर एक दिन पीना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। ओके, सो वेल दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है इस चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस को करेंगे मिलके। ऑलराइट, बाय बाय।